हमारे समाज में नेत्रदान को महादान माना गया है और इसी भावना से मैं पिछले 12 वर्षों से निशुल्क नेत्र जांच शिविर व अन्य सामाजिक कार्यों में माध्यम से जन सेवा कर रहा हूं। लेकिन मेरे द्वारा इन सामाजिक सरोकार के कार्यों को चुनावी मुद्दा ना समझा जाए, फिर भी अगर आप भाजपा मुझे चुनाव लड़वाएगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा और इसी प्रकार रेवाड़ी विधानसभा के समस्त लोगों की सेवा करता रहूंगा। इसी कड़ी में रविवार को भी रेवाड़ी में राजवीर यादव द्वारा एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 150 लोगों की जांच कर 17 लोगों कर उन्हें दवाइयां वितरित की, 17 लोगों को ऑपरेशन की तारीख भी दी गई। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो आप लगातार आई कैंप लगा रहे हैं, आज भी यहाँ पर आई कैंप लगा रहे हैं? जी मैं राजवीर यादव, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और ये कैंप तो मैं हर महीने लगाता आ रहा हूँ, लोगों की सेवा करने का ध्येय लेके मैं, मेरा एक ध्येय है कि रेवाड़ी को मैं मोतियाबिंद मुक्त बनाऊं, और इसी प्रयास में मैं पिछले 10-12 साल से लगा हुआ हूँ। देखिए किसी को रोशनी देना इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, पुण्य का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या इस आई कैंप को भी चुनाव से जोड़कर देखा जाए? जी बटला साहब, इस आई कैंप को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से ये तैयारी कर रहा हूँ। मैं बीजेपी पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ, चुनाव में पार्टी से लड़ूंगा। लोगों की सेवा का ध्येय मेरा अलग है और सेवा का ध्येय ही लेके मैं इस रेवाड़ी में आया था, और लोगों की सेवा मैं शुरू से 10-12 साल से करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव एक अलग मुद्दा है, पार्टी अगर चुनाव के लिए मुझे कहती है तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूं, लोगों के बीच में सदा रहता हूं और भविष्य में भी रहूंगा। क्या ये जो समाज सेवा कर रहे हैं आप, इसका फायदा मिलेगा चुनाव के अंदर? जी बिल्कुल, चुनाव के अंदर पहली बात तो हमारे मोदी जी और हमारे यहाँ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी ने जो काम करवाए हैं, उन कामों को देखकर ही लोगों से फायदा मिलेगा। और दूसरा, मैं जब ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ तो इसका भी फायदा मुझे बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आप समाज से जुड़ रहे हैं? जी मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, हर आदमी के दिल में मैं बैठा हुआ हूँ। अगर बात की जाए आज के इस आई कैंप की, तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अभी तक कितने लोगों की जाँच हो? जी ये मैं आज आई कैंप करवाया था, ये 9 बजे का समय दिया था लेकिन 10 बजे शुरू हो पाया, और अभी तक लगभग 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और 130-132 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग भी हो गई है, और अभी तक 17 कैटरेक्ट की पहचान हुई है, जिनको डेट दे दी गई है उनका ऑपरेशन होगा, और लगभग 75 से 78 के बीच चश्मा है, वो चश्मा की भी डेट दे दी गई है। इधर देते हैं, ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं और जिनको ऑपरेशन की भी डेट दी गई है, क्या कितना पैसा इन लोगों को देना पड़ेगा या बिल्कुल निःशुल्क है? नहीं जी, लोगों को एक नया पैसा भी नहीं देना पड़ेगा बटला साहब, ये कैंप मैंने लगाया है, पैसा मैं दूंगा अपनी जेब से, लोगों को तो यहाँ आना है और इस कैंप का फायदा उठाना है बस।